खुशी तो बहुत हो रही होगी तुम्हें मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा करके। आपकी बेटी में माशाल्लाह खुद बहुत अकल और शऊर है, और जिसमें खुद सही और गलत को पहचानने की सलाहियत हो उसको हाथ पकड़ के किसी की हिमायत या मुखालफत में खड़ा नहीं किया जा सकता। और मुझसे कुछ सवाल करने से पहले आप अपने आप से तो पूछें कि आखिर क्या वजह है, आपने क्या ऐसा किया है कि आपके अपने आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें जितनी ऊंची उड़ान भरनी है ना भर, पहली बार तुमने मेरी बेटी को ठुकरा के मुझे उसकी नजरों में जलील करने की कोशिश की, और अब उसको अपनी बातों में फंसा के मुझे उसकी नजरों से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने जमीन के एवज अपनी बेटी का सौदा करना चाहा था मेरे साथ। मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन शायद आप दोनों में से किसी की भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि जिस चीज की आप इज्जत करते हैं उसका सौदा नहीं किया जाता। और जहां तक तबरेज की बात है तो मैं उसको बता चुका हूँ कि इलेक्शन में उसके खिलाफ खड़ा होना मेरा कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे कुर्सी की कोई हवस है। हाँ, इन लोगों का एतमाद चाहिए था, इनका दिल चाहिए था मुझे, और वो मिल चुका है। लगता है कि ये स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करके तुम किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गए हो। वैसे मिला क्या तुम्हें स्कूल बना के, बताओ? आपको पता है उस स्कूल के अंदर एक जिम्मेदार का बच्चा और उस जिम्मेदार के घर काम करने वाले का बच्चा एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। अगर मैं इस ऊंच नीच के फर्क को माशरे से थोड़ा सा भी खत्म करने में कामयाब होगी तो ये मेरी फतह होगी, और इंशाल्लाह मैं जरूर कामयाब हूँ।